आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का ये पत्र है और ये पत्र 14/11/2022 यानी कि कल के डेट में ये पत्र लिखा गया है और ये पत्र अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया है। इस पत्र के विषय की बात करें तो शासनादेश संख्या दिनांक 14/11/2020 के संबंध में पत्र लिखा गया है और आप जानते हैं कि 14/11/2020 का जो शासनादेश है यही टाइम एंड मोशन स्टडी का शासनादेश है और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई हैं जो कि व्यवहारिक रूप में सही नहीं लगती हैं। जैसे आपको कहा गया है इसमें कि शिक्षक 15 मिनट पूर्व विद्यालय पहुंचेंगे और विद्यालय समय के आधे घंटे बाद वो घर को जाएंगे। तो ऐसे में कहीं कहीं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यवहारिक रूप में सही नहीं लगती, जैसे बैंक के कार्य हैं या फिर अन्य कार्य हैं जो शैक्षणिक समय में कहीं विद्यालय से आपको नहीं जाना है। तो बहुत सारे बिंदुओं पर यहाँ आपत्ति दर्ज की गई है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि सादर अवगत हो कि आपके कार्यालय के पत्रांक दिनांक 14/11/2020 द्वारा जारी आदेश के क्रम में टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण से संबंधित कुछ बिंदुओं पर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, जिसके क्रम में संगठन निम्नलिखित बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। यहाँ पहले बिंदु में बताया जा रहा है कि उक्त शासनादेश के क्रमांक 1 पर विद्यालय अवधि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक क्रमशः 8 बजे से 2 बजे अपराह्न तथा 9 बजे से 3 बजे अपराह्न तक किया गया है। साथ ही विद्यालय खुलने से 15 मिनट पूर्व उपस्थित होने का निर्देश है, जिसका पूर्व से ही शिक्षकों द्वारा पालन किया जाता रहा है। लेकिन विद्यालय बंद होने के उपरांत 30 मिनट तक विद्यालय में उपस्थित रहने का आदेश शिक्षिकाओं महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। दूसरे बिंदु में बताया जा रहा है कि आदेश क्रमांक 8 के बिंदु 1 पर शिक्षकों द्वारा विद्यालय अवधि में बैंक आदि से संबंधित कार्यों को निष्पादित कराने को प्रतिबंधित किया गया है, जबकि बैंकिंग कार्य विद्यालय समय से ही संपादित होता है क्योंकि अव्यवहारिक है। यहाँ तीसरे बिंदु में यह बताया जा रहा है कि आदेश क्रमांक 8 के बिंदु 16 में शिक्षक संगठन द्वारा आयोजित किसी भी गतिविधि में शिक्षकों द्वारा भाग लेने को प्रतिबंधित किया गया है, जो कि समीचीन नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे संवैधानिक तरीके से गठित संस्थाओं को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कृपया शिक्षा एवं शिक्षक हित में उक्त निर्णय को निरस्त करने का कष्ट करें। चौथे बिंदु में यहाँ बताया जा रहा है कि आदेश क्रमांक 9 के अकादमिक अनुसरण के बिंदु 3 के अनुसार प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार को विकासखंड पर विद्यालय अवधि के पश्चात शिक्षकों की बैठक आहूत करने का निर्देश दिया गया है, जो कि शिक्षिकाओं महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से न्यायोचित एवं व्यवहारिक नहीं है। पांचवें बिंदु बताया जा रहा है कि प्रशासनिक एवं अनुसरण के बिंदु 10 में निर्देश है कि विद्यालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य छुट्टी वाले दिनों में या शिक्षण अवधि के पश्चात कराया जाए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। महोदय, शिक्षकों द्वारा पूर्व से ही उक्त कार्य शिक्षण कार्य बाधित किए बगैर सुविधा अनुसार संपादित किया जाता रहा है, अतः उन्हें आदेश के क्रम में प्रतिबंधित किया जाना व्यवहारिक नहीं है। और यहाँ अंतिम बिंदु में बताया जा रहा है, सुदूर ग्रामीण अंचलों में स्थित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाएं महिला कर्मचारी 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय पहुंचती हैं। विद्यालय अवधि के पश्चात संकुल बैठकों का आयोजन किया जाना उनकी सुरक्षा को खतरे में डालता है, अतः किसी भी दशा में बैठकों का आयोजन विद्यालय अवधि के पश्चात न किया जाए। संगठन आपसे उपरोक्त सभी समस्याओं मांगों के समाधान हेतु विनम्र आग्रह करता है कि कृपया शिक्षा एवं शिक्षक हित में उक्त समस्याओं का सम्यक समाधान करने का कष्ट करें। तो दोस्तों निश्चित रूप से इसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो व्यवहारिक रूप में सही नहीं लग रहे हैं और इसी आलोक में एक पत्र महानिदेशक महोदय को भी भेजा गया है और इन समस्याओं से निजात पाने के आग्रह किए गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मंडली सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक चित्रकूट धाम मंडल बांदा का आदेश है, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बांदा चित्रकूट हमीरपुर और महोबा के लिए दिया गया है। डेट की हम बात करते हैं तो 14/11/2022 यानी कल के डेट में आदेश हुआ है। इस आदेश का विषय है विद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि 2 दिन निरीक्षण अभियान चलाने की बात की गई है और इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। तो यहाँ पे 15/11/2022 एवं 16/11/2022 दो दिन का निरीक्षण अभियान चलना है। तो निश्चित रूप से अपने रिकॉर्ड्स को दुरुस्त रखें। आज 15 की समाप्ति तो हो चुकी है लेकिन 16 यानी कल का दिन अभी बचा हुआ है। अपने विद्यालय में पाठ्यपुस्तक के वितरण की स्थिति हो या फिर DBT की हो या फिर निपुण भारत हो, इससे संबंधित सारी चीजों को ठीक ढंग से तैयार रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें ताकि निरीक्षण में कोई बाधा न आए। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का एक पत्र है, जो कि समस्त मंडलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश और निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए दिया गया है। यहाँ डेट की हम बात करते हैं तो 14/11/2022 यानी कल के डेट में आदेश किया गया है और इस आदेश के विषय की बात करें तो संविधान दिवस 26/11/2022 के अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। दोस्तों इसमें आगे की पंक्तियों में स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है
कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संविधान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के कार्यालयों, स्वायत्त शासी निकायों, संगठनों, स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिनांक 26 नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे संविधान की प्रस्तावना का पाठन किए जाने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो दोस्तों यहां पे स्पष्ट है, शैक्षणिक संस्थानों की भी बात की गई है और 26 नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे संविधान की प्रस्तावना का पाठन अपने विद्यालयों में करना होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मानदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय कल्याण आनंद जी का आदेश है जो कि प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद रामपुर और मैनपुरी के लिए दिया गया है। यहाँ डेट की बात करते हैं तो 14 नवंबर 2022 यानी कल के डेट में यह भी आदेश हुआ है और इस आदेश का विषय है निपुण असेसमेंट टेस्ट के संबंध में। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे तिथि परिवर्तित की गई है, यहाँ पे नीचे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि उक्तानुसार आगरा एवं मुरादाबाद मंडल के समस्त जनपदों में क्रमशः दिनांक 22 एवं 24 नवंबर 2022 को आकलन की तिथि निर्धारित की गई है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उक्त जनपदों में आकलन अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जा रहा है। ऐसे में आगे बताया जा रहा है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित निर्देशों के अनुसार आकलन हेतु नवीन तिथियों के संबंध में पृथक से अवगत कराया जाएगा। तो दोस्तों यहां स्पष्ट है कि जो 22 और 24 को क्रमशः आगरा और मुरादाबाद मंडल में असेसमेंट टेस्ट बच्चों का होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया है और इसके लिए अलग से आदेशित किया जाएगा और नई तिथि की घोषणा की जाएगी। आइए दोस्तों इसी संदर्भ में हम आपको एक और डेट दिखाते हैं जिसमें तिथि परिवर्तन किया गया है, आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मानदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का ही ये भी आदेश है जो कि प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या मंडल के समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। डेट की हम बात करते हैं तो 14 नवंबर 2022 यानी कल के डेट में ये भी आदेश हुआ है और इस आदेश का आप विषय देख सकते हैं निपुण असेसमेंट टेस्ट की तिथि परिवर्तन के संबंध में। तो आपको हमें आप बता दें कि अयोध्या मंडल के जितने भी जनपद हैं वहां पे 16 नवंबर 2022 को ये आकलन परीक्षा होने वाली थी, ऐसे में इस तिथि को बदल दिया गया है और यहां पे अब जो नई तिथि घोषित की गई है वो 18 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से अयोध्या मंडल के समस्त जनपदों में 18 नवंबर 2022 को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तिथि की परिवर्तन हुई है उसका रीजन यहाँ पे दिया गया है। उक्त निपुण असेसमेंट टेस्ट स्थगित करने का मुख्य कारण शिक्षकों को निम्न कार्य किए जाने हेतु पर्याप्त समय देना है। इसमें पहले भी बताया जा रहा है शिक्षकों द्वारा पूर्व में इंस्टॉल किए गए सरल ऐप को अनइंस्टॉल करके पुनः इंस्टॉल करना सुनिश्चित किया जाए। दूसरे बिंदु बताया जा रहा है शिक्षकों द्वारा यूट्यूब लाइव सत्र एवं ट्रेनिंग मैनुअल के माध्यम से बताए गए सरल ऐप पर डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया को आकलन से 2 या 3 दिन पूर्व करना सुनिश्चित कर लिया जाए। और यह तीसरे बिंदु बताया जा रहा है कि शिक्षकों द्वारा यूट्यूब लाइव सत्र एवं ट्रेनिंग मैनुअल के माध्यम से बताए गए छात्रों की विवरण सूची को आकलन से 1 या 2 दिन पूर्व बनाना सुनिश्चित कर लिया जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यों को ससमय पूर्ण कराते हुए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित निर्देशों के अनुसार उपयुक्त संशोधन तिथि 18 नवंबर 2022 में आकलन सुनिश्चित कराया जाए। बहुत ही विजय किरण आनजी राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों यहां पे हम आपको एक बात और स्पष्ट कर दें, यदि आप सरल ऐप के माध्यम से किस प्रकार से स्कैनिंग की प्रक्रिया करेंगे, किस प्रकार से OMR शीट भरेंगे और सारी प्रक्रिया को यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में राइट कॉर्नर में ऊपर तरफ जो वीडियो दिख रही है इस पर क्लिक करके पूरी प्रक्रिया को आप आसानी से देख सकते हैं, जिससे आपको जिस दिन ये टेस्ट कराना होगा, जो असेसमेंट टेस्ट कराना होगा, उसमें काफ़ी आपको सहूलियत मिलेगी, सरलता हो जाएगी। तो दोस्तों अब तक के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।